हेलो दोस्तों, मैं समीर रामटेके यूट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से आपका स्वागत करता हूँ रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम के इस कोर्स में। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर एंड कंपोनेंट टेस्टिंग। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने जो रखा है वो मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर अपने कोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैक्सिमम कंपोनेंट जो अपन टेस्ट करते हैं वो मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर का यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो मल्टीमीटर का जो सबसे बेसिक स्टार्टिंग करते हैं कि अपन सबसे पहले मल्टीमीटर के प्रोब्स जो रहते हैं वो आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे रेड प्रोब ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। उसको मैंने कनेक्ट किया है MAV ओम, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है वहाँ पे कनेक्ट किया है। और जो ब्लैक प्रोब है उसको मैंने कनेक्ट किया है कॉमन इसमें। ठीक है, तो ये आपका मल्टीमीटर है जो इसको आप यूज़ करने वाले हो। इस मल्टीमीटर का यूज़ क्या है हो सकता है, तो इसमें आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज के बाजू में आप देख रहे हो तो एक डैश या फिर एक डॉटेड लाइंस दिख रही है। तो ये डिनोट करता है कि ये डीसी वोल्टेज मेजरमेंट हो रहा है, मेज़र कर सकते हैं। इस तरफ आप देखोगे तो वी लिखा है और वी के बाजू में एक साइन वेव दी है, तो वो डिनोट करता है कि आप यहाँ पे एसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे रेंज, जो मैक्सिमम रेंज आप मेज़र कर सकते हो वो 600 वोल्ट है एसी में, और जो आप डीसी में मैक्सिमम वोल्टेज रेंज कर मेज़र कर सकते हो वो 600 वोल्ट है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज अगर मेज़र करना है तो आपको इस तरफ इसके जो नॉब है इसको सेट करना पड़ेगा। मिनिमम आप टू मिली वोल्ट टू अप टू 600 वोल्ट तक आप डीसी मेज़र कर सकते हो, और यहाँ पे एसी में भी आप अप टू 600 वोल्ट मेज़र कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करना है अपन आगे देखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक बैटरी है जिसको आप पेंसिल सेल कहते हैं, ठीक है। तो अपन इसका वोल्टेज मेज़र करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है ये बैटरी है तो ये डीसी वोल्टेज है, इसको आप सेट करोगे डीसी पे, डीसी वोल्टेज रेंज, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम 20 के ऊपर नहीं जाने वाला वोल्टेज, तो अपन मैक्सिमम उसको 20 पर सेट करते हैं, ठीक है। और ये जो बैटरी है इसका मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब है वो पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव ब्लैक प्रोब है नेगेटिव कनेक्ट करेंगे।